दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि एयरटेल का जो प्राइस है, जिनके रिचार्ज प्लान की बात करो जो कि बेस प्लान है, काफ़ी ऊपर चले गए हैं। अगर हम जहाँ पे बात करें ना एक साल पहले के आरमो, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो उसके बेस प्लान है वो जहाँ पे डबल हो चुके हैं। वोडाफोन का भी ऐसा होने वाला है, वोडाफोन आइडिया की बात करो उसका भी ऐसा होने वाला है, और जियो भी जल्दी अपने जितने भी रिचार्ज प्लान है उसको जहाँ पे हाइक करने वाला है। लेकिन इसका प्राइस इतना ऊपर जा क्यों रहा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो तीन इसके मेजर कारण है जिसके कारण जितनी भी कंपनी अपने रिचार्ज प्लान को हाइक कर रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखे थे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जहां पे जो मेन कहानी स्टार्ट होती है, ये होती है 2017 से। जैसे कि आपको पता है कि जियो जैसे 2017 में मार्केट के अंदर आती है तो जितनी भी दूसरी कंपनियों की बात करो उनको जो प्राइस हो गए वो जहां पे डाउन करने पड़ते हैं, क्योंकि जियो स्टार्टिंग में क्या करती है कि बहुत सारे सिम कार्ड फ्री में देती है, साथ में आपको डेटा फ्री मिलता है, साथ में आपको कॉलिंग फ्री में मिलती है। तो इसको देखते हुए जितनी भी दूसरी कंपनियों की बात करो वो जहां पे डर चुकी थी, और उन्होंने क्या किया कि अपने जो जितने भी उनके सब्सक्राइबर थे उसको जहां पे वो खोना नहीं चाहते थे, जिसके कारण उसने जितने भी डेटा प्लेन थे उसका जो प्राइस था काफी कम किया, नए ऑफर देना जहां पे स्टार्ट कर दिया। लेकिन तब क्या हो कि बहुत सारे ऐसे यूजर थे जिन्होंने जहां पे एयरटेल से या फिर बी से या फिर बीएसएनएल से ऐसे पोर्ट करके सभी जहां पे जियो के पास जहां पे चले गए थे। उस टाइम इन सब कंपनियों को भाई बहुत ज्यादा जहां पे घाटा हुआ था। साथ में बात करें कुछ ऐसी कंपनियां थी, जैसे जहां पे बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करो जो अनिल अंबानी की थी, या फिर टाटा डोकोमो की बात करो, टाटा इंडिगो, वीडियोकॉन और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई थी, जैसे यूनिकॉन की बात करें। ये सब जितनी भी कंपनियां थी उस टाइम के ऊपर तो मर्ज होगी या फिर जितनी भी कंपनियां थी पूरी तरह से सरवाइव नहीं कर पाई और जिसके कारण मार्केट में पूरी तरह से ये कंपनियां डूब गई। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां उस टाइम के ऊपर निकल के आती है, जैसे वी की बात करो या फिर बात करते हैं हम एयरटेल की। इनके पास जो रेवेन्यू था थोड़ा अच्छा था, इनके पास पैसे थे, इन्होंने क्या किया कि थोड़ा मार्केट के अंदर सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये टक्कर देना चाहती थी जहां पे जियो को। और ये सब जितनी भी कंपनियां थी ना भाई, इनका एजीआर भी ऑलरेडी ड्यू हुआ था और इन कंपनियों ने फिर भी जहां पे क्या किया कि कंपटीशन करने की कोशिश की जियो के साथ। लेकिन होता क्या है कि इनके एजीआर के जो पहले ड्यू हुए थे उसकी पेमेंट जो जहां पे नहीं कर पाते हैं। एजीआर क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, जब कोई भी टेलीकॉम कंपनी मार्केट के अंदर आती है और जब कोई भी नई जनरेशन आती है ना टेलीकॉम की, जैसे 3G की बात करो, 4G की, 5G की बात करो, उनका एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम जहां पे जितनी भी टेलीकॉम कंपनी होती है उनको खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को ये फीस देनी पड़ती है करोड़ों में। ये बहुत महंगे स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे अभी 5G का स्पेक्ट्रम आएगा वो भी महंगा होगा, और साथ में अगर बात करें जब उन्होंने खरीदा था 3G का 4G का तब भी वो बहुत महंगा था। और इस कंपनी ने जहां पे क्या किया था कि स्पेक्ट्रम तो खरीद के रखा था लेकिन उसका जो एजीआर था वो ड्यू नहीं किया था, बल्कि उसकी जो पेमेंट थी वो नहीं की थी। और ये सब जितने भी कंपनी होती है उस टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं करती है, ये गवर्नमेंट को बोलती है कि हम आपको बाद में पैसे दे देंगे, आप हमको जो स्पेक्ट्रम है वो आपको अलॉट करा दो। लेकिन गवर्नमेंट जहां पे क्या करती है कि उनको जो स्पेक्ट्रम होता है वो जहां पे अलॉट करा देती है। गवर्नमेंट जहां पे बोलती है कि भाई आपको जो एजीआर होगा वो जहां पे देना पड़ेगा, बेसिकली जो पैसे होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, बल्कि वो जहां पे किस्तों में पैसे लेती है। उनको पता कि कंपनी डायरेक्टली इतने पैसे तो नहीं दे सकती, गवर्नमेंट क्या बोलती है उनको कि भाई आप 3 महीने बाद थोड़ा पैसा दे दो, 6 महीने बाद दे दो, बल्कि 3 साल में 4 साल में आप जितने भी पैसे होंगे वो आपको पूरे यहां पे पेड करने पड़ेंगे। लेकिन इन सब कंपनियों की जहां पे बात करो, वी की बात करो और जहां पे एयरटेल की बात करो ना, इन्होंने जहां पे पूरी कोशिश की देने की लेकिन इनका जो रेवेन्यू था इतना जनरेट नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये पूरी तरह से फेल हो चुके। जो एजीआर था वो गवर्नमेंट को यहां पे नहीं दे पाए, ये क्या करते थे कि हर बार जहां पे कोर्ट में चले जाते थे वहां से क्या करते थे कि जो डेट थी एजीआर की उसको एक्सटेंड कर लेते थे। गवर्नमेंट को बोलते थे कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते, हमको थोड़ा टाइम दो, 6 महीने 7 महीने, ऐसे करते करते यहाँ पे दोनों कंपनी ने बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे ले लिया। और अभी यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एजीआर पेड करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट जो आपको स्पेक्ट्रम होगा 5G का वो हम यहाँ पे नहीं देने वाले हैं। ये मेन कारण है जिसके कारण एयरटेल और वी ने अपने जो प्राइस है उसको यहाँ पे ज्यादा किया है। और आगे जो बात निकल के आती है प्राइस हाइक करने की वो है जहाँ पे 5G। ये दो कंपनियां ऐसी है वी और एयरटेल की, यहाँ पे बात करें ना ऑलरेडी भाई इन्होंने 4G स्पेक्ट्रम के अभी तक जो एजीआर है वो गवर्नमेंट को नहीं दिया, बल्कि अभी तक 4G स्पेक्ट्रम तो गवर्नमेंट से ले लिया और उनके पैसे अभी तक जहां पे नहीं दिए हैं। तो जब भी कोई जनरेशन आती है 2G की, 3G की, 4G की, और हर एक बंदा, हर एक जो सब्सक्राइबर है, हर एक यूजर है वो यही चाहता है कि भाई हमारी जहां पे जो भी ऑपरेटर हम जहां पे यूज करें, जियो, एयरटेल या फिर कोई भी है, हमारे पास भी जहां पे जो 5G की जनरेशन है वो जहां पे आनी चाहिए। हम भी स्पीड को एंजॉय करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी है सब लोग जहां पे देखना चाहते हैं। वी और एयरटेल के ऑलरेडी 5G के ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं। ये कंपनियां चाहते हैं कि जब भी 5G जहां पे लॉन्च होता है, जैसे जहां पे जियो 5G को लॉन्च करेगा हम भी जहां पे 5G को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको बोला कि भाई अगर आपके 4G स्पेक्ट्रम के पैसे नहीं आते तो हम आपको 5G का स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। इसी बात को देखते हुए इन्होंने बोला कि भाई आने वाले 5 से 6 महीने तक जब भी जहां पे 5G लॉन्च होगा तो उससे पहले ही हम जितने भी डेटा प्लान है या फिर जितने भी कॉलिंग प्लान है उसका प्राइस हम जहां पे हाई कर देते हैं। और जैसे हम जहां पे प्राइस हाई करेंगे जब तक जहां पे 5G लॉन्च होगा हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे
कि हम जहाँ पे 4G के पैसे, तो हम जो पहला जो स्पेक्ट्रम खरीदा था उसके पैसे तो चलो हम गवर्नमेंट को दे के कैसे भी हम उसका क्लियर कर देंगे, लेकिन जो 5G होगा तब जहाँ पे हम उस गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि हमको जहाँ पे 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो जहाँ पे अलॉट कराओ, हम जहाँ पे जो 5G के पैसे हो गए आपको बाद में दे देंगे। ये भी एक भाई मेजर कारण है जिसके कारण वी और एयरटेल ने अपने जो रिचार्ज प्लान को जहाँ पे हाई किया है। अगर जो उसका मेन कारण है वो है ERP। ERP होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब कि सिंपल बात में आपको बताऊं तो एक कंपनी एक बंदे से एक मंथ में कितना पैसा लेती है, कि कितने का बंदा एवरेज निकाली जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक बंदा नॉर्मल सेम रिचार्ज कराता है, कोई 150 का, कोई 350 का, कोई 300 का, ऐसे करते करते सबके जहाँ पे अलग अलग होते हैं। लेकिन जहाँ पे ERP क्या करता है कि ERP की हेल्प से एक एवरेज निकाली जाती है, टिपिकली कितनी वैल्यू यहाँ पे निकलती है, वो जहाँ पे निकल के आती है 100 से लेकर 150 रुपीज। किसी कंपनी का ज्यादा हो जाता है, किसी का 140 होता है, किसी का 200 होता है, लेकिन अप्रोक्स जहाँ पे इतनी जो ERP होती है वो जहाँ पे निकल के आती है। तो कंपनी चाहती है कि हम जहाँ पे ERP को हम इंक्रीज करेंगे। ERP इंक्रीज होती है बेस प्लान से, इतने भी हमारे जो बेस प्लान होते हैं सबसे सस्ते बेस प्लान, उससे जहाँ पे जो ERP होती है वो इंक्रीज होती है। सबसे सस्ते प्लान अगर बंदा कम से कम इतने भी सस्ता प्लान कराएगा तो अगर 49 का या 50 का एक मंथ के लिए, तो उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जाए। वो जो बड़े रिचार्ज है उसको तो चलो वहां का वहां रहना दी जाए, लेकिन जो ERP होता है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जाए। 49 का जो रिचार्ज है उसको हटा के यहाँ पे 70 का किया जाए, फिर 75 का किया जाए। इसमें क्या होता है कि कम से कम अगर बंदा नॉर्मल रिचार्ज भी करता है जस्ट कॉल आने के लिए, तो उसको भी भाई यहाँ पे जो प्राइस होगा वो थोड़ा ज्यादा देना पड़े, ERP होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। कभी कभी मैं भी क्या करता हूँ कि अगर दूसरी कंट्री में, तो नॉर्मल जो एयरटेल का जो रिचार्ज होता था पहले 49 का मंथली, वो मैं जहाँ पे करा के रखता था जस्ट फॉर की OTP, हमारा जो सिम कार्ड है वो जहाँ पे ऑन रहे, उसकी वैलिडिटी हमारे पास रहे, मेरे को जस्ट OTP चाहिए होता कभी लॉगिन करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, तो वो मैं भी कराता था। तो यही बात देखते हुए कंपनी बोलती है कि भाई हमारा जो ERP है उसको जहाँ पे इंक्रीज किया जाए। उनको पता कि ERP इंक्रीज होगा तो मंथली जो इनकम होगी, जो रेवेन्यू होगा, वो हमको जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण हम 4G स्पेक्ट्रम के पैसे होंगे वो हम गवर्नमेंट को देंगे, और 5G के लिए हम उसको एप्लीकेशन देंगे भाई हमको 5G का स्पेक्ट्रम अलॉट करो, पहले जितने भी आपका पेंडिंग बैलेंस है वो तो हमने क्लियर कर दिया, अभी आप जहाँ पे 5G का स्पेक्ट्रम भी हमको दो। यही जो मेन कारण है जिसके कारण कंपनी अपने रिचार्ज प्लान के प्राइस जहाँ पे हाइक कर रही है। और जहाँ पे एक बात हो रहा है कि इन फ्यूचर में रिचार्ज प्लान का प्राइस होगा वो हाइक होता रहेगा या फिर नहीं होता रहेगा, अगर हम एक एवरेज निकाल के देखें तो भाई वर्ल्ड वाइड इंडिया एक ऐसी कंट्री बन जाती है जहाँ पे सबसे सस्ता हमको इंटरनेट देखने को मिलता है। दूसरी कंट्रियों की बात करें तो इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव है, आपको कम से कम 2000 रुपये तो देने पड़ेंगे मंथली आपको 3GB 4GB के लिए। तो इंडिया में जो इंटरनेट है ये बहुत सस्ता इंटरनेट है जहाँ पे बात करें ना। तो इन फ्यूचर की अगर हम जहाँ पे बात करें तो भाई प्राइस ऐसे पूरी तरह से तो नहीं हाइक हो सकता, अभी प्राइस जहाँ पे एकदम से हाइक होने का यही कारण है कि कुछ कंपनियां ऐसी है तो अभी तक गवर्नमेंट को पैसे पेड नहीं करी, तो गवर्नमेंट की भी उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है आप कैसे भी करके हमारे जो पैसे है वो वापस लेके आओ, हमको पैसे चाहिए, जिसके कारण ये प्राइस थोड़े हाइक हो रहे हैं। ऐसे जहाँ पे AGR पूरी कंपनियों को जहाँ पे ड्यू हो जाता है, जहाँ पे बात करो जियो की, तो जियो ने तो ऑलरेडी जहाँ पे पूरा सेटल करके रखा है, गवर्नमेंट को पैसे दिए हुए हैं, लेकिन दूसरी कंपनियों की बात करो जिनका AGR अभी तक नहीं गया, उनके पैसे अभी पेंडिंग है, जब उनका भी AGR क्लियर हो जाता है, सब कुछ जहाँ पे क्लियर हो जाता है, इन फ्यूचर में फिर जो प्राइस हो गए, जो रिचार्ज प्लान हो गए, फिर हो सकता है कि जहाँ पे नॉर्मल आपको देखने को मिले, लेकिन एकदम से इतने हाइक नहीं होंगे। और हम जहाँ पे बात करो तो प्राइस बाकी कंट्रियों के इंटरनेट प्राइस की बात करें या फिर वॉइस कॉल की बात करें तो भाई प्राइस इनका नॉर्मली रहने वाला है। भाई यही है जो मैंने आपको बताया कि जो मेन रीजन है इन सब कंपनियों के कि एकदम से जो रिचार्ज प्लान के प्राइस है वो ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि कंपनियां ऑलरेडी कर्जे के अंदर डूबी हुई हैं। मेन जो कारण है वो यही कारण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, कोई भी आपका सवाल है, किसी भी तरह का टेक का सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा तो लाइक करें, कमेंट करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।